चीन में एक बार फिर कोरोना का हाहाकार देखने को मिल रहा है। चीन में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बढ़ते मामले के कारण हालात फिर से खराब होते जा रहे हैं। चीन में हालात ये हो गए हैं कि वहाँ शवदाह घर 24 घंटे काम कर रहे हैं। बाकी देश की तरह चीन में कोविड के नए सब वेरियंट JN.1 का प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वेरियंट के फैलने के कारण चीन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से शमशानों में एक बार फिर भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि WHO ने इस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दिया है। WHO का कहना है कि नए वेरिएंट तेजी के साथ कई देशों में फैल रहा है। रिपोर्ट की माने तो चीन के हेनान में स्थिति काफी खराब होते जा रही है। शमशान में लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 24 घंटे शमशानों में शवों को जलाया जा रहा है। वहीं जलने की प्रतीक्षा करने वाले शवों को लंबी कतार होने की वजह से फ्रीजर में रखा जा रहा है। चीन की बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक वहां 1,18,977 पॉजिटिव मामले हैं, जिसमें 7,577 गंभीर हैं। वहीं देश में फिलहाल मरने वालों की सटीक आंकड़े का अभी तक पता नहीं लग पाया है। वहीं भारत की बात की जाए तो कोविड के एक्टिव मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल कोविड ने 3,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही 24 घंटे में कोविड के 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो मई के बाद एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है।